नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने दादू पहुंच गई, जिसमें इन्हें दादू समेत इतराफ के इलाकों का दौरा किया और टेंट सिटी का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इनके साथ घुल मिल गयी। मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ सैलाब मुतासरा खवातीन ने मलाला को कैंप में खुश आमदीद किया। मलाला ने कैंप में खवातीन से इनके मसाइल सुने और इन्हें हौसला दिया। उन्होंने मुतासर खवातीन को हौसला देते हुए कहा कि आप इस मुश्किल वक्त का बहादुरी से सामना कर रही हैं, आप बहादुर खवातीन हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ने वाजिया किया कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए फराहम किए गए फंड्स बहुत कम हैं। सैलाब ने सिंध में बड़ी तबाही मचाई, लाखों मुतासरीन में हामला खवातीन भी शामिल हैं, इन्हें फौरी इमदाद की जरूरत है। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने मलाला यूसुफ़ज़ई को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब भी बहुत सारे इलाकों में पानी मौजूद है, पानी की निकासी के बाद मजीद सर्वे करके स्कूलों के नुकसान का तयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12,000 स्कूलों में 20 लाख बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है, जिस पर मलाला यूसुफ़ज़ई ने तशवीश का इजहार किया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।